हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं अयादि संधि के बारे में। इससे पिछली वीडियो हमने सीखा ईयर संधि के बारे में, हम सीख रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईयर स्वर संधि और अयादि संधि। हम आज अयादि संधि के बारे में सीखेंगे। ये स्वर संधि का पांचवा भेद है। सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं नियम। इसका नियम है जब ए कॉमा ए कॉमा ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः ए आए अब आब बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जब ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ हो के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनके समान स्वर नहीं आए, जैसे ए के बाद में ए ना आकर कोई दूसरा स्वर आए, तब क्या हो जाता है? अगर ए के बाद में आएगा तब ऐ हो जाएगा, और ऐ के बाद में आएगा तब आय हो जाएगा, और औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तब अब बन जाएगा, और औ के बाद में कोई आएगा तब आ बन जाएगा। जैसे जैसे ए धन, अगर कोई इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है हलंत के साथ, और ए के बाद में आएगा तब ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तब आय बन जाएगा। इसी प्रकार ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आप बन जाएगा, या औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तब आप बन जाएगा। अब हम इसके पढ़ते हैं उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है ए के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तब, जैसे ने धन अन है तब ये नयन हो जाएगा। जैसे ने में क्या है? नाप है ए की मात्रा, तो क्या ए है। इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, जैसे आ रहा है, तो ए धन आ क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? ने धन आयन बराबर नयन। अगले उदाहरण पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है से धन अन बराबर शयन। यहाँ क्या है? से पे जो है वो ए की मात्रा आई है, और इसका दूसरा इसके बाद में क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ आया है, तो यहाँ पर ए धन आ क्या हो गया? आय हो गया है। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं आय के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तब, आय के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तब क्या बन जाता है? आय बन जाता है। जैसे इसके उदाहरण पढ़ते हैं गए धन आग बराबर गायक। यहाँ पर क्या आय के बाद में क्या है? बड़ा आ आया है, और यहाँ पर क्या हो गया? आय हो गया है, मतलब गए धन आयक बराबर गायक। इसी प्रकार नए धन आग बराबर नायक। यहाँ पर नए पे क्या? आई की मात्रा है, तो आया आया है। इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आया है, जैसे आई के बाद में आय ना आके क्या है? आ आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आय धन आ बराबर आए। अब पढ़ते हैं ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तब, जब ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तब अब बन जाता है। जैसे भू धन अनम बराबर भवनम। यहाँ पर क्या है? भा के बाद में क्या है? ओ की मात्रा है, तो ओ आया है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? इसका दूसरे का प्रथम वर्ण है जो है वो आ है, तो ओ धन आ बराबर क्या हो गया? अब हो गया है, मतलब भो धन अवनम बराबर भवनम। अब हम इसके अगले उदाहरण पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है को धन अनम बराबर कवनम। जैसे को पे क्या है? ओ की मात्रा है, ओ आया है, और इसका दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो आया है, तो ओ धन आ बराबर क्या हो गया? अब हो गया है। अगला उदाहरण है लो धन अल बराबर लवण। या क्या है? लो का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो ओ आया है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आया है। लो लो पे क्या है? ओ आया है, और इस पे अल आ, ओ धन आ बराबर क्या हो गया? अब हो गया है, यानी कि लो धन अल बराबर लवण। अब पढ़ते हैं ओ के औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तब, जब औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तब आ बन जाता है। जैसे पौ धन अक बराबर पा बक। यहाँ पर क्या है? औ आया है, इस पर क्या है? आ आया है। औ धन आ बराबर क्या हो गया? आब हो गया, मतलब पौ धन आक
अक बराबर पा पक। इसी प्रकार नौ धन इक बराबर ना विक। या क्या है, नौ पे जो है औ की मात्रा है, औ की मात्रा हो या औ हो तब क्या है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है जैसे ई आ रही है, तब जो औ औ धन ई क्या हो रही है, आ हो रही है, आब हो रही है, तो क्या हो रहा है, नौ धन इक बराबर ना विक। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।